हेलो फ्रेंड्स, जय बालाजी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मेरा के दुनिया में आपका स्वागत है। बड़ी सर्दी आने वाली है तो थोड़े हम नाश्ते बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम फर्सी पूड़ी से। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाई है। हमें फर्सी पूड़ी का डो रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी रखा है, मतलब मीडियम गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है हमें। पानी गर्म हो चुका है, गैस ऑफ करेंगे। हमें पहले ऑयल गर्म करना है। 1 किलो आटे पे 1 कटोरी ऑयल चाहिए, ऐसी कटोरी। नहीं तो ऐसे 3.5 चम्मच हमें ऑयल ऐड करना है 1 किलो आटे पे। वो आपको खास ध्यान रखना है। ऐसे ऑयल ऐड करने से आपकी फर्सी पूड़ी क्रिस्पी बनती है, वो आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स। खस्ता बनती है और क्रिस्पी बनती है। ऑयल अच्छे से हमें गर्म करना है। एक बार ये स्टाइल से आप जरूर बनाइएगा, मेरी गारंटी है आपको पूरी बहुत ही पसंद आएगी। किधर भी बाहर जाते हो, आप घूमने जाते हो या आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाला हो, आप पहले से ही पूरी बना के कम से कम 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पे। ये भी सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है। ऑयल अच्छे से हमें गर्म करना है, गुनगुना पानी करना है। पानी 2 ग्लास लिया है मैंने। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, पानी हमारा गर्म हो चुका है। काली मिर्च ली है मैंने और अजवाइन ली है 1 चम्मच। ग्राइंड कर लेंगे। अजवाइन और मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी हम डो रेडी करेंगे। काली मिर्च और अजवाइन ऐड करेंगे। ये मैंने 1 किलो आटा लिया है। थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें हमें गरम ऑयल ऊपर से डालना है ऐसे। एक किलो आटे में करीब 3.5 चम्मच ऑयल चाहिए, ऐसा चम्मच बड़ा वाला। नहीं तो मैंने आपको कटोरी का माप भी दिखाया था, वो 1 कटोरी भी आप माप करके ऐड कर सकते हो इसमें। ऐसी वाली कटोरी। इससे ही हमारी फर्सी पूड़ी क्रिस्पी बनेगी। अभी हमें चम्मच के मदद से ही हमें अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ऑयल गरम है। इसमें आपको लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी ऐड करना हो तो कर सकते हो, मैंने सिंपल ही रखा है। यही स्टाइल से एक बार जरूर बनाइएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। करीब 3.5 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है, 3.5 चम्मच मतलब ये बड़ा वाला चम्मच। मैंने यहाँ पे करीब 2 ग्लास गुनगुना पानी लिया है। अभी इसे हम डो रेडी करेंगे। मीडियम थिक हमें डो रेडी करना है। थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। डो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है।
अच्छे से हमें ऐसे मिक्स करना है। हमारा डो रेडी है। 10-15 मिनट हम इसे रेस्ट देंगे, बाद में हम बनाएंगे फरसी पूड़ी। ऑयल गरम करने रखेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, 10-15 मिनट हो गई है, अभी हम लुए बनाएंगे। जितनी आपको साइज पसंद हो, छोटी बड़ी आपके हिसाब से आप बनाइए। ये साइज में हमें गोला बना लेना है। अभी हम पूरी बेलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम पूरी को बेलेंगे। हमें नाइफ की मदद से इसे कट करना है ऐसे। इससे पूरी फूलेगी नहीं और क्रिस्पी बनेगी। ऐसे कट करना बीच में से जरूरी है फ्रेंड्स। ऐसे आप गेहूं के आटे की भी पूरी बना सकते हो। फर्क इतना है कि उसमें आपको ऑयल कम ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है, तो उसमें आपको ऑयल कम ऐड करना है। बेल लिए फ्रेंड्स, देखिए ऐसे हमें डॉट डॉट करना है पूरी को बेल के। अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें डीप फ्राई करना है फ्रेंड्स। हल्का ब्राउन हमें फ्राई करना है फ्रेंड्स। फुल फ्लेम पे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें डीप फ्राई करना है फ्रेंड्स। फुल फ्लेम पे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, वो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फरसी पूरी कच्ची रह जाएगी, ऊपर से आपको लगेगा कि पक गई है। ना ही फुल रखना है ना ही स्लो रखना है, हमें मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। आप देख सकते हो अच्छे से हमारी फरसी पूरी फ्राई हो गई है। दो मिनट में हमें पलट देना है दूसरी तरफ। जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। मीडियम फ्लेम पे हम डीप फ्राई करेंगे, तभी हमारी पूरी क्रिस्पी होगी।
चाय के साथ ये पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है। ट्राई करिएगा, बाद में मुझे बोलिएगा। ट्राई नहीं करोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, वैसे तो सभी बनाते हैं, लेकिन जिसको मालूम नहीं हो उनको बोल रही हूँ फ्रेंड्स। वैसे तो मैदा अच्छा नहीं है खाने में, लेकिन कभी कभार खा सकते हो। लाइट ब्राउन हो चुकी है फर्सी पूरी, अभी हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ी ज़्यादा भी ब्राउन हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम नहीं रहनी चाहिए। तो तैयार है हमारी टेस्टी फर्सी पूरी। हेल्दी तो नहीं बोल दूँगी, लेकिन टेस्टी है। तो चलिए हम सब करेंगे। तो तैयार है फ्रेंड्स गर्मा गर्म फर्सी पूरी। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो जो पहली बार देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहिएगा। क्रिस्पी पूरी देखिए कितनी टेस्टी और क्रिस्पी है। खाया नहीं है फिर भी आपको बोल रही हूँ कि इतनी टेस्टी है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।